हमने देखा आपका अंदाज बड़ा मजाकिया है, आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसा होता नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो चीज़ नहीं होती है वो ही हो रही है होती है, और जो हो रही होती है वो होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। कई चीज़ें ऐसी हैं, तो सही चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो नेक हैं वो एक नहीं है, जो एक हैं वो नेक नहीं है, तो हम जो नेक लोग हैं उनको एक करने में लगे हुए। जनता आपको पीके मस्त के नाम से जानती है, तो जनता जानना चाहती कि पीके मस्त हैं कौन, इनका पूरा नाम क्या है पीके मस्त? मैं परवीन कुमार हूं और TI एजुकेशन ट्रैफिक इंस्पेक्टर एजुकेशन के पद पे जयपुर में ट्रैफिक में तैनात हूं, यादगार में मेरी पोस्टिंग है। और ऑफिशियली हमें बताया जाता है कि भाई FM पे जाओ, दुनिया भर के इंटरव्यू दो, ताकि लोग जागृति आए, और वीडियो वगैरह बनाने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है, ऊपर हमसे रिकॉर्ड भी मांगा जाता है चीज़ का। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे वीडियो बने, ताकि लोगों के, हमारी जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छी भावनाएं लोगों तक जाए। हमारे ऑफिसर चाहते हैं कि अच्छी जो नवाचार हो रहे हैं वो लोगों तक जाए, वो तभी जाएंगे जब हम पूरे मेहनत से काम करेंगे और आम जनता को उसकी राहत मिलेगी। नहीं, ऑफिसर्स चाहते हैं वीडियो बनाएं, तो मतलब सब ही बनाते हैं या सिर्फ आप ही बनाते हैं? आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लोग जनता तक जाऊँ मैं और समझाऊँ, और जो एक्सीडेंट हैं वो धीरे धीरे मेरे समझाई से कम हो, लोग समझें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें? मैं TI एजुकेशन है हूँ, तो उसका काम यही है कि वो एजुकेट करे, वो चाहे तो लेक्चर ले, सेमिनार ले, सेशन ले, और वीडियो के माध्यम से भी वो बनाए तो लोगों तक बात जाए। तो हमें सोचे थे, पहले हम वीडियो देखते थे कि बड़े डिपेंडेंसी दूसरों पर रहती थी, जैसे अक्षय कुमार के वीडियो हम चलाते थे जब अवेयरनेस करते थे, तो लोगों को ये लगता था कि यार ये तो हीरो है, ये तो झूठ बोल रहा होगा या पता नहीं क्या है। तो रियल में हमें काम करने की प्रेरणा मिली इससे। लेकिन रियल लाइफ में तो आप खुद भी हीरो बन गए हैं, लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं, आप समझाते हैं, हमने भी देखा, लोग मानते हैं, उनको लगता है कि पीके मस्त जी कह रहे हैं। जैसे आज मैंने हेलमेट नहीं लगाया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ और मुझे याद रहे कि पीके मस्त जी ने कहा है और मुझे हेलमेट लगा के चलना है। बिल्कुल, तो ये हीरो बनने का हमारा शौक नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जानें बचनी चाहिए, क्योंकि मेरे खुद के घर में 2-3 ट्रेजडी ऐसी हो गई थी, ताकि उसमें एक्सीडेंटल केस थे वो, तो उन सब से मुझे लगा कि हमें इनके लिए जागरूक करना चाहिए। तो अगर हम अच्छे काम करते हैं, लोगों तक बात जाती है और वो अच्छी इमेज मन में सोचते हैं, तो एक अच्छी बात है। जयपुर की जनता के लिए ऐसे आप क्या 3 रूल्स बताना चाहते हैं जो फॉलो करें लोग ट्रैफिक पे? बिल्कुल, उनको जो ट्रैफिक में, जैसे हर एक आदमी को हेलमेट से सबसे ज़्यादा केस आते हैं, तो हेलमेट ज़रूर लगाएं, वो उसकी स्ट्रिप ज़रूर बांधें। इसके अलावा सीट बेल्ट का नया नियम भी आया है कि पिछली सीट पे भी लगाएं। इसके अलावा मोबाइल से बहुत बात करते हुए चलते हैं लोग, और कई बच्चे तो बहुत फास्ट भी चलते हैं, तो तेज़ नहीं चलना, तेज़ गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो ऐसे 3 कारण और आप हमें बताएं जिससे ज़्यादा दुर्घटना होती हैं। बिल्कुल, ज़्यादा दुर्घटना इस चीज़ से भी होती है कि शराब पी के चलते हैं लोग, और वो उसमें बड़ा तेज चलते हैं, और नए नौजवानों को ये शौक होता है कि वो जो भी नियम होते हैं उनको तोड़ने में उनको ज़रा रुचि ज़्यादा रखते हैं, तो कई बार वो धूम मचाने वाली स्टेज आ जाती है, और वो धूम मचाने के बाद जब गिर जाएगा तो फिर वो घुटने टूट जाएगा तो मम्मी बचा ले, और कमर की हड्डी टूट जाएगी तो भगवान उठा ले वाली बात हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते भगवान किसी को ऐसे में उठाए, वो बड़े आराम से जिए, सुरक्षित चले, और ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है फिर। नहीं, आप सही कह रहे हैं पीके मस्जिद। हम एक बात और जानना चाहते हैं, जो जनता और पुलिस के बीच में जो सामंजस्य नहीं बन पाता है, ऐसा क्या कारण रहता है कि जैसे जनता आई पुलिस के, वो देख के दूर से घबरा जाती है और फिर वो सोचते हैं यार कैसे मैं निकल पाऊँ मैं यहाँ से? एक्चुअली क्या है कि अंग्रेजों के ज़माने से ही पुलिस का भय है, लेकिन अब नवाचार हो रहे हैं, हमारे अफसर साहबान भी यही चाहते हैं कि पब्लिक और जनता के संबंध सुधरे, वो खुल के अपनी बात कहें। हम भी ये कोशिश करते हैं कि आम जनता से ही हम आते हैं, हमारे भी छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, तो उनको ये लगना चाहिए कि कोई गार्जियन है, उनके बात सुनेगा, समझेगा उसको। नहीं, हम आमतौर पर देखते हैं कि जैसे ट्रैफिक में निकल रहे होते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस ने किसी को पकड़ा, तो पकड़ते ही वो पुलिस से सामना करने की जगह वो अपना मोबाइल निकालता है और वो जान देखता है कि मेरे कोई ऐसा नॉन निकल जाए जिससे कि मैं एक बार बात करा के बच सकूँ, ऐसा क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो, ऐसे लोगों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यमराज जी भी किसी के नॉन नहीं है, फिर हम मान लो थोड़ा बहुत कंसिडर कर भी देंगे और वो आगे जाके एक्सीडेंट हो गया तो फिर वही घर वाले कहते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी। तो इसलिए उन लोगों से थोड़ा अपील है कि वो बात की बजाय
थोड़ी सी बात होती है, हेलमेट लेके चलें या अपने सीट बेल्ट लगा के चलें, ताकि जो भी नियम को फॉलो करेगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बात करने की। और हो सकता है आपके बहुत अच्छी जानकारी हो और वो जानकारी वो आला आदमी आपका फ़ोन ही नहीं उठाए, फिर वो आदत भी बन जाती है। नहीं, जैसे आप खुद पुलिस में हैं, आपको जैसे कि लोग देखते हैं कि मेरे भाई हैं या कज़न हैं, तो वो आपके पास भी ऐसे फ़ोन आते होंगे दिन भर में कि कहीं ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो आप एक बार छुड़वा दें, फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करें। नहीं नहीं, बहुत फ़ोन तो आते ही हैं, आप जानते हो, तो हम उनको यही समझाते हैं कि भाई तुमने गलती क्यों करी है, तो ज़्यादा पक्ष लेना नहीं चाहिए उनका। और बहुत ज़्यादा जब फ़ोन आने लग जाते हैं तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि लोग फिर एक घंटे बाद उठाते हैं, हाँ भाई बता क्या हुआ। सही कह रहे हैं। तो वो ऐसे ना आए कि संबंध भी ख़राब हो, क्या मतलब है, इधर लेके चलो। ये हमने बात की पीके मस्त जी से। पीके मस्त जी का जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अपने घर से निकले और वो घर सुरक्षित पहुँचे, इसलिए पीके मस्त जी अपना इतना शानदार काम कर रहे हैं, जनता के बीच में रहकर जागरूक कर रहे हैं जनता को, जिससे एक्सीडेंट कम से कम हो और लोग रूल्स के बारे में जानें।